हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम व्लॉग्स। गाइस, आप सभी जानते ही हैं कि हम लोग विलेज आए हैं, तो मैं आपको अपने विलेज का मॉर्निंग व्यू दिखाती हूँ। तो देखिए, अभी 9:20 हुए हैं और धूप आ चुकी है विलेज में। ये देखिए, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, हरे भरे जंगल हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं और ऐसे लगता है जैसे पहाड़ियाँ जो है वो बादल को छू रही हैं। तो इस तरह का नज़ारा है मेरे विलेज का, जो चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है, देख सकते हैं। और ऊपर देखिए, आसमान बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। और ये जो जंगल है, ये चीड़ के जंगल है, चीड़ के पेड़ आपने देखे ही होंगे। और वो जो रास्ता है, वहाँ से हम बिरुखाड़ मार्केट जाते हैं, और जब हम विलेज आते हैं तो उसी रास्ते से आते हैं। और रास्ते के ऊपर पीपल का पेड़ है, तो वहीं से हमारे गांव की शुरुआत होती है। और ये जो पीपल का पेड़ है, ये हमारे गांव की रक्षा करता है, और यहीं पे छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। तो हम लोग जब भी गांव जाते हैं या गांव से आते हैं, तो हम लोग मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं और उसके बाद ही अपनी जो यात्रा होती है कहीं भी जाने के लिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो जंगल है, ये भी चीड़ के जंगल है। तो हमारा जो गांव है, वो चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है और पहाड़ियों में घने जंगल हैं। ये देखिए, इस साइड भी ये चीड़ के ही जंगल हैं, ये देख सकते हैं। और ये जो आप घर देख रहे हैं, ये पुराने ज़माने का घर है, और पहले इसी तरह के घर बनाए जाते थे। और ऊपर जो ढलान है, वो इसलिए बनाई जाती है कि जो पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी, तो इस तरह से बर्फ़ छत में नहीं रुकती थी, वो इजीली नीचे गिर जाती थी। और अब इस तरह के घर बनाए गए हैं हमारे गांव में, और ये भी पुराने टाइप का ही घर है। देखिए किस तरह से ढलान है, और इस तरह के ढलान में बर्फ़ बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं टिकती है, इजीली नीचे आ जाती है। बट अब लोगों ने लेंटर वाले घर बना लिए हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए केले के पेड़ भी लगाए गए हैं, और कुछ कुछ पुराने घर हैं, बट अब पुराने घर बहुत कम रह गए हैं। मोस्टली आपको लेंटर वाले पक्के घर मिलेंगे, बट जो पुराने घर होते थे ना, वो ठंडे इलाके में बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि वो सर्दियों में गर्मी देते हैं। बट ये जो लेंटर वाले घर हैं, वो सर्दियों में भी ठंडी देते हैं। लेकिन अब लोगों ने इसी तरह के घर बना लिए हैं, देख सकते हैं। अब विलेज में आपको ज़्यादातर लेंटर वाले घर दिख रहे होंगे, और जो पुराने टाइप के घर हैं वो बहुत ही कम नज़र आ रहे होंगे, आप देख सकते हैं। और ये है, ये देखिए, घर के आसपास छोटी छोटी क्यारियाँ लगी हुई है, इनमें चौलाई लगी हुई है, और ये बीन्स लगी है, और हमने इसकी एक दो बार सब्जी भी खा ली है। और अभी भी हमारे गांव में जो गोबर की खाद है वही डाली जाती है, कोई भी केमिकल वाली खाद, कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला जाता है। तो खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद होती हैं गांव की सब्ज़ियाँ। तो अभी हम तो 5-6 दिन के लिए आए हैं, तो हम लोग गांव की ही सब्ज़ियाँ खा रहे हैं। और ये देखिए करेला, ये मीठे करेले की बेल है, पर अभी इसमें करेले नहीं लगे हैं। और ये मेरे ताई जी घर है, और देखिए ताई जी ने केले का पेड़ भी लगाया हुआ है, तो इनमें देखिए थोड़े थोड़े केले लगे हुए हैं, मगर अभी ये कच्चे हैं। और यहाँ भी ताई जी ने चकोतरे का पेड़ है, और इसमें भी चकोतरे लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं। और अभी ये भी कच्चे हैं, जब ये बहुत बड़े साइज के आते हैं ना और पीले होते हैं, तब ये खाने लायक होते हैं, अभी ये खाने लायक नहीं है। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इसे धूल का पेड़ बोलते हैं, ये गाय भैंस के लिए चारे का काम करता है। तो इस तरह का नज़ारा है मेरे विलेज का, ये देख सकते हैं। और अभी अभी जो धूप है ना, वो हल्की हल्की धूप है, और ये धूप भी अभी बहुत अच्छी लग रही है। कल नाइट में बहुत तेज़ बारिश हो गई, तो इसी वजह से थोड़ी सी ठंड लग रही थी,
बट अब ठीक ठाक है। और ये है बिच्छू घास, जिसे यहाँ कंडाली भी बोलते हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी हो रहा है, पर इसको सर्दियों में नहीं खाते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, पीलिया की बीमारी में ये काम आता है। और जैसे बॉडी में किसी भी पार्ट में सूजन हो तो वो सूजन को भी कम करता है, और जो शरीर में जकड़न जकड़न वगैरह होती है उसको भी ये कम करता है। और इसकी सब्ज़ी तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, बट अभी इस टाइम नहीं खाते हैं, बरसात के सीज़न में नहीं खाते हैं इसको, सर्दियों के सीज़न में इसको खाया जाता है। और ये अपने आप ही उग जाती है, इसको आज तक किसी ने नहीं उगाया है। ये गांव के जहाँ पर खाली जगह होती है वहाँ पर इजीली उग जाती है। देखिए कितनी ज़्यादा उगी हुई है, जंगल जैसे लग रहा है यहाँ पर। और ये हमारा घर है, इसको बने हुए 6-7 साल हो गए हैं, बट क्योंकि हम लोग गांव में हमेशा नहीं आते हैं, तो अभी देखिए थोड़ा बहुत जो ये था वाइट वाश वो निकल गया है, क्योंकि बरसात यहाँ बहुत तेज़ होती है। तो इस तरह का हमारा घर है ये देखिए। और यहाँ से स्टेयर्स हैं, इनके द्वारा हम छत में जाते हैं। ये देखिए अभी देखिए यहाँ पे भी काई जमी हुई है, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है और गांव में हम लोग कम आते हैं। तो ये हमारे घर की छत है, जहाँ पर सर्दियों में इजीली छत में धूप सेक सकते हैं। और ये पानी की टंकी है, इसमें पानी स्टोर होता है। तो ये है हमारे घर की छत, देखिए कितनी बड़ी छत है। यहाँ पर आराम से सब लोग मिलके धूप सेक सकते हैं, खेल सकते हैं बच्चे, और खाना भी खा सकते हैं बैठ के आराम से। तो ये है हमारे गांव का सुंदर सा नज़ारा। अब मैं स्टेयर से नीचे उतर रही हूँ, ये देखिए। और ये भी, ये देखिए जो आप देख रहे हैं ये मक्के के पौधे हैं, अभी छोटे छोटे हैं, कुछ टाइम बाद मतलब 1 मंथ या 2 मंथ के बाद इसमें मक्की लगेगी। और ये है चौलाई, जो बहुत हेल्दी होती है, कैंसर वगैरह के लिए भी ये मेडिसिन का काम करती है। और ये है बीन्स, बीन्स की बेल, बहुत ही स्वादिष्ट होती है बीन्स, ये भी बीन्स है। और ये मूली लगी हुई है, मूली लगी है ये, ठीक है। और ये है कद्दू की बेल, जिसे आप लोग सीताफल भी बोलते हैं, और हमारे यहाँ इसको बोलते हैं खरबूज। तो अभी इसके फूल नहीं आए हैं, कुछ दिनों के बाद ही इसमें कद्दू लगेंगे, कि सीताफल लगेंगे। और पता है हमारे गांव में ना ये जो कद्दू की जो ऊपर ऊपर की होती है ना पत्ते, इनकी भी सब्जी बनाई जाती है, साग बनाया जाता है, बहुत टेस्टी होता है, ये देख सकते हैं। और ये भी करेले की बेल है, इसमें मीठे करेले लगते हैं, जो मीठे करेले होते हैं ना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, बिल्कुल भी कड़वापन नहीं होता है इसमें। और ये भी चौलाई है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है इसकी सब्ज़ी। ये देखिए ये जो चौलाई का पौधा है आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, इतना बड़ा आपने कभी देखा है चौलाई का पौधा? और जब इतना बड़ा हो जाता है ना तब खाली बीज के काम आता है, इस पर फूल लगते हैं, बीज लगते हैं। और इतने बड़े पौधे को, पौधे की सब्ज़ी नहीं खाई जाती है। और ये है चकोतरे का पेड़, मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें चकोतरे लगे हुए हैं, ये देखिए ये चकोतरे का पेड़, ये देख सकते हैं, देखिए ये चकोतरे, देखो गाइस। और अभी ये इतने बड़े हैं, बट गाइस ये तो कुछ भी बड़े नहीं हैं, पता है ये कितने बड़े थे, ये एक आप फुटबॉल देखिए, ये फुटबॉल के बराबर बड़े होते हैं, ठीक है। अभी तो ये मौसमी के बराबर ही है, देखो। और जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं ये पीले हो जाते हैं, उसके बाद इनको खाया जाता है। ये देखो कितने लगे हुए हैं, ये देख सकते हो, ये देखो, ये देखो गाइस, ये देखो, ये देखो, देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो गाइस, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, और इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। ये देखो,
ये देख सकते हैं गाइस, देख सकते हैं, देखो यहाँ भी देखो। तो मैं गांव में आई हुई हूँ 6 साल बाद, तो मैंने सोचा आप सभी जानना चाहते हैं कि मैं किस गांव से हूँ, तो इसी वजह से मैं आज आपको अपना गांव दिखा रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे भी कितनी सारी बेल लगी है, ये तो बथुआ है मुझे ऐसा लगता है। और कितनी सारी बेल्स हैं, ये सभी बीन्स की बेल्स हैं, बट अभी बीन्स वगैरह नहीं लगी है, कुछ टाइम बाद लगेंगी। काम हम करके आ गए। ये देखो वहाँ पे भी सीताफल की बेल लगी है, और देखो यहाँ पे भी इतनी बड़ी बड़ी चौलाई होगी है। अब ये चौलाई खाने लायक नहीं है, अब ये बीजों के लिए होती है, इसे फूल आते हैं और जब इनके बीज बन जाते हैं तो इनके बीज को इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर अगले साल दोबारा से चौलाई लगाई जाएगी। तो देखिए यहाँ पर भी बीन्स लगी है, पूरी तरह से बीन्स के पौधे हैं, यहाँ बेल है और इनमें बहुत ही ज़्यादा फली लगती है, बीन्स लगती है। और यहाँ देखिए ये है भिंडी, जिसे आप लेडीज़ फिंगर बोलते हैं, ये भी है यहाँ पे। गाइस अब देखिए अचानक से मौसम बदल गया है, आप देखिए फिर से बादल छा गए हैं और धूप बिल्कुल जा चुकी है। तो यहाँ पर पल पल मौसम बदलता रहता है, इस तरह का मौसम होता है यहाँ का। और देखिए यह स्पैरो, ये मेल स्पैरो है, फीमेल भी दिखाऊंगी मैं आपको। आपने सिटीज़ में तो स्पैरो बिल्कुल भी नहीं देखी होगी, क्योंकि अब जो इनकी प्रजाति है पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, बस ये विलेज वगैरह में ही दिखते हैं, है ना गाइज। तो अब मैं गांव आई हूँ, अब गांव आई हूँ तो मैंने सोचा कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको अपना गांव दिखाऊं, और अभी गांव में क्या क्या लगा हुआ है वो सब भी दिखाऊं। तो इसलिए आप ही के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और देखिए छोटी सी बर्ड कितनी क्यूट सी है, हरी हरी, मतलब ग्रीन कलर की बर्ड है। और ये तो साइड में दिख रहे हैं ना आपको, ये अरबी के पौधे हैं और इसके पत्ते के पकौड़े बनते हैं, ये तो आप भी जानते हैं, है ना गाइज। और देखिए यहाँ पे भी चौलाई कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, देखिए तो यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है ना, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है यहाँ की। और देखिए कुछ कुछ जगह मूली भी लगी हुई है, और ये देखिए फली की बेल कितनी बड़ी हो गई है, देख सकते हैं। और देखिए ताई जी का जो केले का पेड़ है, यहाँ पे भी केले लगे हैं, और इस साइड भी देखिए केले लगे हैं, बट अभी ये कच्चे हैं, पकेंगे तो ही खा जाएंगे। और देखिए इस साइड दीवार पे भी बिच्छू घास लगी है, और बिच्छू घास का जो साग होता है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। गाइस ये भी ताई जी का ही खेत है, और इसमें देखिए यहाँ पे भी चौलाई लगाई हुई है, और यहाँ से देखिए केले बिल्कुल अच्छी तरह से नज़र आ रहे हैं, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए स्पैरो वगैरह घूम रही है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अलग अलग प्रकार के बर्ड्स मिल जाएंगे, जिनके भी मुझे नेम भी नहीं पता है। और ताई जी ने यहाँ पे एलोवेरा भी लगाया हुआ है, आप सभी जानते हैं कि एलोवेरा के कितने बेनिफिट्स होते हैं। और ये देखिए ताई जी का ये चकोतरे का पौधा पेड़ है, और कितने सारे चकोतरे लगे हैं, अभी कच्चे हैं, जब ये बहुत बड़े हो जाएंगे ना तब ये खाने के लायक होंगे, जब ये पीले हो जाएंगे, बट तब तक तो हम गांव से चले जाएंगे, तो ये तभी पकेंगे जब हम गांव से चले जाएंगे, एक दो महीने लगेंगे इनको पकने में। ताई जी ने बैंगन का पौधा भी लगाया हुआ है, ये देखो ये सब बैंगन के पौधे हैं, और इनमें अभी बैंगन लगे नहीं है, कुछ टाइम बाद लगेंगे। और ये है टमाटर का पौधा, इसमें भी अभी टमाटर नहीं लगे हुए हैं, अभी सिर्फ चौलाई है जो खाई जा सकती है, इनकी जो इनका साग बनता है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और हम तो गांव आए हैं ना, जब से हमने 2-3 बार खा लिया है तो बहुत टेस्टी बनता है, और ताई जी के हाथ से तो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बनता है। और ये भी करेले की बेल है, इसमें भी अभी करेले नहीं लगे हैं, अभी फूल भी नहीं आए हुए हैं, जब फूल आएंगे फिर जाके करेले लगेंगे।
और इसलिए ताई जी ने यहाँ पर ये जो है ना सूखी सूखी टहनियाँ लगाई हुई है, ताकि जो ये बेल है इसमें अच्छे से फैल जाए और फिर इसमें अच्छे से करेले लग सके। तो इस तरह से गांव के लोग उपाय करते हैं बेलों के लिए, पौधों के लिए, कि अच्छे से सब्जियां हो सके गांव में। तो यहां से मेरे घर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। ये देखिए मेरा भाई सुभाष खड़ा हुआ है, वो मेरा घर है। ठीक है, ठीक है। तो इतना सुंदर घर हमारा, बट ढंग से देखभाल नहीं हो पाती है क्योंकि गांव हम बहुत कम आते हैं, ऐसा है। यहाँ ये स्टेयर्स है जहाँ से हम छत में जाते हैं, ये देखो। तो गाइस मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है और मेरा विलेज पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।